हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी है ना, शाम का टाइम हुआ है और दोनों देवरानी जेठानी शाम का खाना बना रहे हैं। दोनों लगे पड़े हैं किचन में और मिलजुल के बाँट बाँट के अपना काम कर रहे हैं। जैसे अभी सब्जी बना रहे हैं हम, वो भी काले चने की, तो दीपिका काट के दे रही है मेरे को और मैं छोंक रही हूँ। तो ऐसे करके है ना, जल्दी जल्दी सारा काम निपट जाता है। पहले तो मेरे को अकेली को करना पड़ता था सारा काम, पर अब दीपिका की इतनी हेल्प हो रखी है ना, तो आधा किचन का काम बट गया है मेरा। तो बस सारा काम निपटा लिया, खाना पीना हमारा हो गया है अभी। और सारा काम निपटा के और अभी मैं लग गई थी कि मक्खन निकालने। अभी मक्खन निकाल लूँगी और फिर उसका घी बनाऊँगी। कई दिनों की मलाई इकट्ठी हो रखी है, 2 कटोरे मलाई के भर गए हैं। 15 दिन तो हो ही गए होंगे, तो बिजी चल रही थी तो इस वजह से बना ही नहीं पा रही थी मक्खन। जैसे थोड़ा बहुत भी टाइम लग रहा था ना, तो मैं सोच रही थी भाई थोड़े टाइम में बनेगा तो नहीं, तो आज बनाऊँगी कल बनाऊँगी, बस यही चल रहा था। लेकिन जब घी पूरा ख़त्म हो गया ना, मैं अभी तब लगी हूँ मक्खन निकालने। और अभी पहले तो एक बार का तो मैंने निकाल लिया अभी मक्खन, एक बार का और मलाई का कटोरा आपको दिख रहा होगा, दूसरा भरा रखा है। तो अभी इसका निकाल लूंगी और साथ में है ना टीवी चला रखा हमने, मूवी लगा रखी है, तो मूवी देख रही हूँ और अपना मक्खन निकाल रही हूँ। नायरा मेरे को बुलाने आई है खाना खाने के, नाश्ता करने के लिए। और आज नाश्ते में देखो हमने क्या बना रखा है। फोन कर दे, ले जाओ, गरम गरम है। अच्छा, उधर के लिए बना दिए। हाँ, आज भी नाश्ते में हमने बनाए हैं नमकीन वाली सेवैया। मैं लस्सी के साथ खाऊंगी। सुमित के लिए लस्सी बनाओ। आप पियोगे लस्सी? आप नहीं पीते? मैं लस्सी के साथ खाऊंगी और ताऊ जी के लिए भी मैं लस्सी बना देती हूँ। कर दो आप फोन, वो यही खा जाएंगे, उनके लिए ले जाएंगे। आज तो कढ़ाई भर के बना ली है। ये देखो हमारे तो डाल भी लिए और ये बच गए हैं, हॉस्पिटल में सब के लिए लेके जाएंगे। और अभी मैं और दीपिका दोनों आए हैं पार्लर। वैसे तो हम पार्लर के लिए नहीं आए थे, पनीर लेने के लिए आए थे, क्योंकि हमें पनीर की सब्जी बनानी है। और मम्मी है ना पास वाली, जो हमारे पास में दुकान है ना, उस पर भी पूछ के आई थी, लेकिन उस पर पनीर नहीं मिला। तो फिर मैंने और दीपिका ने सोचा हम स्कूटी से चलते हैं, और पनीर हमने इसी साइड आए थे लेने के लिए और पार्लर भी यहीं था। तो मैंने सोचा अभी आई हूँ तो आईब्रो बनवा के चलती हूँ, तो मैं आईब्रो बनवाने लग गई। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, खाली ही था। और अभी ना पौने 1 बज गए हैं और मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर की सब्जी। तो ये देखो तड़का तैयार कर दिया मैंने और मसाला तैयार कर दिया मतलब। और यहाँ पे लौकी की सब्जी बन गई है, केवल सिंपल लौकी बनाई है, बिल्कुल ही कुछ नहीं डाला, मतलब प्याज टमाटर नहीं डाले, ऐसे ही छोंक दी, बस नमक डाला है और हरी मिर्ची। और अभी है ना बस रायता बनाना बाकी है और थोड़ा सा हलवा बनाऊंगी। और ये सारी चीज़ें हम क्यों बना रहे हैं, आज हमारे घर कोई आने वाला है तो दीपिका के मम्मी पापा आ रहे हैं आज, वो चल पड़े हैं, मतलब किसी भी टाइम पहुंच जाएंगे। तो हमारी खाने की तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। मम्मी नहाने गई है, मैं और दीपिका नहा चुके हैं, नायरा भी नहा चुकी है, बस अंकल आंटी का वेट कर रहे हैं। मतलब जब तक आएंगे तो मैं सब्जी तो बना ही दूंगी, हलवा हलवा बनाना रह जाएगा। तो अभी फटाफट बस दोबारा से तड़का लगाना है, ये मसाला तैयार कर रही हूँ मतलब कढ़ाई पनीर के लिए, बस दोबारा से तड़का लगाना बाकी है, वो भी अभी लगा देती हूँ। पनीर की सब्जी भी बन गई है, ये देखो, और रायता बन गया बूंदी का। या मैंने ड्राई फ्रूट काट दिए हैं हलवे के लिए, मलाई वाला हलवा बना रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा ही खाया जाता है, ज़्यादा नहीं खाया जाता। और यहाँ नायरा का खाना बनना रख दिया है। अंकल आंटी है ना अभी पहुंचने ही वाले हैं, MG रोड पे पहुंच लिए हैं, मतलब दिल्ली रुके हुए हैं, मतलब 2-3 दिन हो गए उनको आए हुए दिल्ली, तो दिल्ली से मेट्रो से आ रहे हैं, तो MG रोड पे अभी पहुंच लिए हैं। और MG रोड से हमारे घर का बस 15-20 मिनट का ही रास्ता है, तो 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। और जब तक वो पहुँचेंगे ना तो मैं हलवा रेडी कर दूँगी। पक ही गया मेरा हलवा, मतलब वैसे तो पक गया, बस अब इसमें चीनी पानी और ड्राई फ्रूट डालने बाकी हैं, तो बस अभी थोड़ी देरी लगेगी, 5 मिनट में हलवा पक बन के रेडी हो जाएगा। और मम्मी को तो ये मलाई वाला हलवा इतना पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं बनाने लगी ना, दीपिका तो कह रही थी रहने दे, क्योंकि दीपिका की मम्मी पापा को मीठा कम पसंद है ना, इसीलिए, पर हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ा थोड़ा हम भी खा लेंगे इस बार ने। वैसे भी कई कई दिनों में बनता है हलवा, भी इस पर ही बनाया था नवरात्रों में, नवमी अठम की कढ़ाई करते हैं ना, उसी दिन बनाया था। तो बहुत कम बनाते हैं हम हलवा, क्योंकि फैट बहुत ज़्यादा होती है ना हलवे में, तो मैं ही अवॉइड कर देती हूँ। मम्मी तो कहती रहती है कि बना लेना बना लेना, मम्मी को ज़्यादा पसंद है ना, तो मेरे को तो कम पसंद है, मेरे को इतना पसंद नहीं। फिर मैं सोचती हूँ इतनी फैट बढ़ेगी तो रह नहीं देते हैं, पर कोई आ जाता है ना तो मीठा बनाना तो ज़रूरी है ना, कुछ ना कुछ मीठा तो होना ही चाहिए। और हमारे यहाँ तो मीठे में हलवा ही बनता है, पहली पसंद हलवा ही होती है,
तो बस हलवा भी मेरा बनने ही वाला है। और ये देखो हलवा बना के मैंने रेडी कर दिया है, एकदम टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी मलाई का हलवा बन के हो गया है तैयार। और अभी सैलेड काटना बाकी है, तो मैं और दीपिका दोनों लग गए हैं सैलेड काटने। अभी फटाफट काट देते हैं, फिर हमारा सारा खाना बन के रेडी हो जाएगा। फिर हमें बैठ के सिर्फ बातें करनी है। पहले खाना बना के रख देते हैं ना, तो फिर सही फ्री हो के बातें करते रहो, नहीं तो फिर आने के बाद कोई भी मेहमान आए तो उनके आने के बाद खाना बनाने लगते हैं ना, फिर तो भाई किचन में ही खड़े रहो, बस बातें तो हो नहीं पाती। और कोई भी मेहमान आता है भाई, मिलने के लिए आते हैं, बातें करने के लिए आते हैं, तो हम ऐसे किचन में खड़े रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है ना मिलने जुलने का, क्योंकि बात तो कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने पहले ही सारा खाना बना के रेडी कर दिया, ताकि उस टाइम पे कोई बोझ ना पड़े। बस रोटी रोटी बनानी छोड़ दी है, आटा तो गूंथ के ही रख दिया है, बस सैलेड भी कट गया हमारा। मम्मी पापा आ गए दीपिका के, नहरा को बता नहीं रखा, रो रही है। नमस्ते अंकल जी। कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? ना 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 क्या हुआ? सरप्राइज। और तो ना 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 कर रहा था। और अंकल आंटी आ गए हैं। और पहले तो नायरा है ना थोड़ी देर तो चुप रही, एकदम सरप्राइज मिल गया ना, बताया नहीं था उसको, तो एकदम थोड़ी देर तो चुप रही। और फिर तो इतनी खुश हो गई ना, क्योंकि अंकल आंटी के पास ही रहती थी 1 साल से, तो इतनी खुश हो गई देख के। और बस अभी मैं लग गई हूँ पानी देने, मैं और दीपिका दोनों ने मिलकर पानी दे दिया था। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने खाना खाया था, तो दीपिका देती रही थी और मैं बनाती रही थी। फिर खाना खा के फिर लग गए थे हम ढेर सारी बातें करने और नायरा की मस्ती देखने। नायरा ने इतनी मस्ती की ना, इतनी खुश हो रही थी आज तो बहुत ही ज़्यादा अपने नाना नानी को देख के। मैडम अपनी चेयर लेके आवा है। अच्छा, चेयर बना कैसे बैठे मैडम? बच्चा तो बैठ गया इधर। हाँ, चेयर पे बैठेगी मैडम। मैडम का रास्ता रुक गया, बस मैडम यहीं बैठ जाओ, सारे बच्चे दिखाई देंगे। कहाँ लेके जाओगे? कहाँ? बैठो बैठो बैठो। कौन बैठे? मैडम बैठेगी ना, मैं मैडम की चेयर के पीछे बैठूंगी, चेयर के पीछे मैं बैठूंगी। अपना अपना टिफिन खा। हाँ, रुटो, बहुत टेस्टी है, आपने बनाया मैम? रुटो, आपने आप पहले लाइन खोलो, समझा आपके लाइन में क्या है? देखो क्या है? क्या दे रखा मम्मी पापा ने? पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। वाह, आपके लाइन में आलू पराठा। बोल दे दे दो। वो देखिए। वाह, और आप? मैं तो बिस्किट लाई हूँ। इतना सा? इतना नहीं होएगा काम। नहीं होएगा काम। मैडम बना के दे दो ना कुछ। तो बना दियो ने। बना के लाओ। या बना के। नहीं होएगा तो हम। या तो टिफिन। ओके। क्या है इसमें अभी, क्या बना के लाए? क्या दिया मैम आपने मुझे? हाँ। नहीं। रोटी, रोटी और मटर, मटर रोटी, मटर और रोटी बना के ले आई है टीचर जी। सब्जी बना के ले आई टीचर जी। राम जी क्यों ना? नमस्ते आंटी जी। हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस। ये तो आए हां, मुको भाई था तो घर का हॉस्पिटल हो गया। ये तो ही पार्क भी ना जाती, सासू बुआ ने पार्क भी छोड़ दिया। और बिजी हम इतने हो रहे आजकल। पूछिए पूछिए का दिन में आई है? मैं था घनी बिजी, फिर मेरे न्यू जी बिजी हो रही है। माइन का घर का है तो के थोड़ा कंसेशन में नहीं मिल लगा लो। मैं भी फायदा था के देखूंगा। देख ले इसके काम देख लो। ठीक है, सही दिन में चक्कर मारा इसके। और अभी मैं आई हूँ छत पे, दीपिका और नायरा दोनों ऊपर छत पे गई हैं, तो मैं भी आ गई, क्योंकि नायरा बहुत रो रही थी, उसके नाना नानी अभी गए हैं तो उसको बहलाने के लिए इधर खिलाने लाए। फिर नायरा हमारे खाना बना बना कर खुआ हुआ है। बीच किचन, बीच में इसकी किचन है, ये चारों तरफ हमारी चेयर है। और मेरे ती इस प्लेट में खाना लेके आई है, देखो मैंने खा लिया है। दीपिका खा रही है।
मेरा फिनिश हो गया, नायरा और लेके आ मेरे लिए, जल्दी दे, जल्दी दो। अरे भूख लगी है, अरे बहुत ज्यादा भूख लगी है, दे दो। अरे बहुत ज्यादा भूख लगी है मेरे को, जल्दी खाना लेके आओ, जल्दी खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो। ये ले आई मेरा खाना, देखिए मैडम आधा तो आपने नीचे गिरा दिया। मेरा भी हो गया फिनिश। नहीं मैं भी यहीं रहूं, खड़े होके खाएगी ये तो, मैं भी स्कूटी पे खड़ी होके खाऊंगी, मेरे लिए स्कूटी लेके आओ, यहाँ लेके आओ जल्दी। कहाँ है स्कूटी, कहाँ है स्कूटी, मेरे को दिखाई नहीं दे रही। मम्मी सिल रही है नायरा के पिल्लो का कवर, वो भी वेलवेट का, ग्रीन कलर का, देखो कितना सुंदर है ना, वेलवेट तो बहुत सुंदर लगा है। अरे मुलायम मुलायम मजा आ जाएगा नायरा को सोफा पे, एकदम चमक चमक और खराब भी नहीं होगा ये कपड़ा, ऐसा कैसा रहेगा। तो छोटा सा पिल्लो और इसका भी कवर सिल जाएगा प्यारा सा। और आ गए हैं हम ऊपर से, खूब मतलब मस्ती करी नायरा ने, उसके साथ खूब खेले, खूब खाना बना बना के खिलाया हमें। और जब अंधेरा हो गया ना तब हम नीचे आए हैं, क्योंकि एक तो मौसम बढ़िया हो रखा था और एक आज हमें खाना भी नहीं बनाना था, बस रोटी रोटी सेकनी थी, क्योंकि सब्जी हमारी बची हुई है तो हमने सोचा वही सब्जी खा लेंगे और रोटी रोटी बना लेंगे, तो इसीलिए हम जब अंधेरा हो गया ना तब नीचे आए हैं। चलो तो अब इस व्लॉग का यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।